कहाँ जा रहे हो? ओके रेडी। I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. जीविका ने वेलकम कर दिया है और जीविका भी जा रही है स्कूल। आप लोग कहते हो जीविका को ब्लॉग में नहीं लाते, तो जीविका जब भी ब्लॉग में आ सकती है जब उसका छुट्टी हो, क्योंकि अभी स्कूल जाएगी और वो शाम को आती है। शाम तक मेरे ब्लॉग्स ख़त्म हो चुके होते हैं, पूरा मैंने काम कर लिया होता है, मेरी एडिटिंग का टाइम आ जाता है, तो इसलिए जीविका नहीं आती है। और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जीविका को हमेशा व्लॉग में लेना, अभी छोटी बच्ची है तो उस हिसाब से हर व्लॉग में उसको लेना, मुझे पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बच्चों को लेते हैं और अच्छे व्यूज़ भी आते हैं उससे, बट अभी वो बहुत छोटी है तो उसको कैमरे के लिए मैं इतना ज़्यादा तैयार नहीं करना चाहती हूँ। अभी उसे अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा कम लेती हूँ। और अभी स्कूल जा रही है वो, गर्मी काफ़ी है और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि उनके साथ भी कहीं जाना है। और रात को मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी, क्यों हो गई थी ये मैं बताऊँगी, यहाँ पर तो नहीं बताऊँगी। रात को बहुत परेशान हो गई थी मैं और मेरे हस्बैंड, तो चलिए इसको पहले छोड़ दूँ फिर मैं बातें करती हूँ। और मैं आ गई हूँ, अभी गाड़ी में बैठ गई हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो कुछ कर रहे हैं, तो अभी किसी काम से जाना था इनको, तो फिर मैंने बोला मैं भी चलती हूँ, मैं नीचे ही हूँ, तो कहीं भी मौका मिलता है इनके साथ जाने का मैं चली जाती हूँ, चाहे काम कुछ भी हो, चाहे मेरा काम हो या ना हो। तो अभी मैं गाड़ी में ही करूँगी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं किया है मैंने। मैं कुछ लिख रहा हूँ यार, तो कैसे हैं आप लोग? तो थोड़ी देर में मैं आप लोगों से बात करूंगा, बिकॉज अभी कुछ काम कर रहा हूँ, अगर मैं भूल गया ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपसे। तो अभी मैं चला रहा हूँ गाड़ी। तो क्या था कि यार मैं एक्चुअली आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, बिकॉज कुछ काम कर रहा था, पेपर वर्क था, और वो अगर कुछ भी डेट इधर उधर लिख देता तो बहुत गड़बड़ हो जाता, इसलिए सॉरी गाइस, बट आई लव यू ऑल, लव यू सो मच। सो अभी गाड़ी चलाते हैं, इसे गाड़ी चलाते चलाते ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़ी सी बात करते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, अभी मैं जस्ट आई हूँ और टाइम पता है कितना हो रहा है, 1:00 और मैं लेकर आई हूँ पालक, आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी। और क्या बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, तो दाल मैं एक तरफ चढ़ा देती हूँ और एक तरफ राइस भी चढ़ा देती हूँ और तब पालक कटिंग करूँगी। तब तक, जब तक ये पालक कट करूँगी तब तक बाकी के काम हो जाएंगे। और काफ़ी धूप थी, मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी, तो चलिए अभी फिलहाल बातें कम और काम बहुत ज़्यादा फास्ट करती हूँ। ये मेरे छोटू सा प्रेशर कुकर है, जिसका प्रेशर लगता नहीं, लेकिन इसको एज ए पतीला दाल पकाने के लिए मैं यूज कर लेती हूँ। ये जब जीविका हुई थी ना तब मैंने ये लिया था उसके लिए, थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ तुअर की दाल, मुझे तुअर की दाल बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे दाल को धो रही हूँ और मेरी आदत है दाल हो या फिर राइस हो उसको बहुत बार पानी से मैं धोती हूँ और लास्ट में मैं आरओ के पानी से धो लेती हूँ। मुझे जब तक आरओ के पानी से नहीं धोती हूँ मुझे सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है जैसे अभी भी गंदा है, तो लास्ट में उससे वॉश करने के बाद फिर मैं आरओ के ही पानी से खाना बनाती हूँ।
और मैंने दाल में नमक और हल्दी डाल दिया है, उसमें मैं थोड़ा सा टमाटर कट करके डालूंगी और हरी मिर्च। ये सारी चीज़ों को इकट्ठे डाल के मैं पकाती हूँ तो दाल का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। कभी सिर्फ हल्दी और नमक भी डाल के पका लेती हूँ, तड़का बाद में दे देती हूँ। तो एक तरफ दाल और एक तरफ राइस पक रहा है, तो मैं तब तक मैं क्या करूँगी, इस टाइम में मैं पालक साफ़ करके कट कर लूँगी ताकि अगर राइस बन जाएगा पहले तो मैं फिर सब्ज़ी भी चढ़ा लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हूँ। तो ये इन पत्तों को अच्छे से साफ़ करके कट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश करती हूँ। इसको वॉश करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम आता है, क्योंकि आप कोई भी साग अगर आप बनाते हो और वॉश अच्छे से नहीं होता, उसमें मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर आपकी जो सारी मेहनत है ना वो मिट्टी में मिल सकता है। तो इसलिए क्या करना है कि इसको वॉश बहुत ज़्यादा करना है। तो यहाँ सब्ज़ियों को मैंने कट करके धो लिया है और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने लहसुन और अदरक छोटे बारीक कटे हुए मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज नहीं डाला है। मोस्टली मैं आलू पालक की सब्ज़ी में प्याज को स्किप ही करती हूँ। तो ये जब सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इस पर मैं डाल दूँगी कटी हुई पालक और नमक, दैट्स इट। इसी को डालकर मैं पका लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप चाहें तो धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और प्याज एंड ऑल, जो भी नॉर्मली स्पाइसेस आप यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं। लेकिन कभी आप विदाउट स्पाइसेस बना कर देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ, वैसे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ढककर पकाना है और इसमें मैंने पानी नहीं डाला था। और देखिए अब जो पालक है बिल्कुल सॉफ़्ट हो गया है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट और करने के लिए करछी के सहारे उसको मैंने बारीक कर लिया और इसमें कटे हुए आलू डाल दिए हैं। तो आलू के लिए भी मैं पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें पानी होती है ऑलरेडी पालक में कि आलू ऐसे ही गल जाएंगे ढकने पर। तो मैं इसको ढक के पका लूँगी और फिर बन जाएगी हमारी सब्ज़ी। और अब मैं लंच सर्व कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये मैंने दाल रखा है और अब मैं इसमें साइड में मैं सब्ज़ी रखूँगी। कभी कभी आप ट्राई कीजिएगा कि सिंपल विदाउट स्पाइसेस जो आप लंच या डिनर बनाते हो वो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा होता है बहुत ही कम ऑयल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और ऑयली फूड आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए अवॉइड करना। बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल डालती हूँ, तो ट्रस्ट मी गाइस, मैं ऑयल का इस्तेमाल शुरू से ही बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने सैलेड कट कर लिया था, टोमेटो एंड अनियन, और साथ में मैंने लेमन डाला है बिकॉज मेरे हस्बैंड को लेमन बहुत पसंद है खाने के साथ, तो मैं ये देना कभी नहीं भूलती। और साथ ही मैं एक रखूँगी साइड में चपाती। तो ये है डिलीशियस वेज सिंपल लंच। हमने लंच किया, लंच करके फ्री हुए हैं। फैन की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि फैन ऑफ करो तो गर्मी लगती है, तो बंद करना पड़ा। दूसरी चीज़ क्या बता रही थी मैं, हमने बताना था कि कल रात से हम लोग थोड़े से परेशान थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा पेट में दर्द, जिसकी वजह से उन्होंने इनफैक्ट कुछ खाया भी नहीं। दोपहर में लंच किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात को कुछ नहीं खाया।
और वॉक करते रहे। वो किस चीज़ की वजह से हुई पता नहीं, अभी भी सो रहे हैं। शूट कर लिया क्या? हाँ, आप बताओ क्या हुआ था रात को? ये मैं कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा तबीयत थोड़ा गड़बड़ लग रही है यार, और पूरी रात मैं वॉक करता रहा। रात पूरी रात तो नहीं, खैर 2 घंटे मैंने वॉक किया रात को, बट फिर भी नॉर्मल नहीं हो रहा क्योंकि और हैवीनेस सा फील हो रहा है, और हैवीनेस फील हो रहा है और बहुत सुस्ती आ रही है। पता नहीं यार क्या गड़बड़ है, आई गेस स्टमक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आई हैव टू टेक रेस्ट, तो बात भी नहीं हो पा रही है ज़्यादा। तो आप लोग प्रे करो मेरे लिए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ यार, ऐसे लेटे रहना अच्छा नहीं लगता। हाय। तो आपने सुना, क्योंकि वाकई इनकी तबीयत रात से ठीक नहीं है। कुछ आप कुछ बड़ा भी नहीं कह सकते और कुछ छोटा भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्टमक में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ खा भी नहीं सकता, भूख भी लगती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो अब वो किस चीज़ की वजह से हुई है ये तो नहीं पता, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर हम देखेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, क्योंकि घरेलू नुस्खा एक टाइम तक ठीक लगता है। मैंने रात को इनको अजवाइन दे दिया था, मैंने सुना है अजवाइन और नमक से ठीक हो जाता, तो उस टाइम पर ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी जैसे लंच किया इन्होंने तो हैवी ही लग रहा है। जब भी लंच किया कि आप लोगों ने देखा ही, बिल्कुल सिंपल वेजिटेरियन लंच था, बिल्कुल लाइट, कुछ भी ज़्यादा ऑयली कुछ भी नहीं डाला। फिर भी तो क्या होता है ना कि घर में किसी को भी कुछ भी हो जाए तो चलता है, अगर थोड़ा बच्चे को तो चलो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं तो उससे मैं इतना डिस्टर्ब नहीं होती, बट जहाँ बात आती है हस्बैंड को कुछ हुआ या फिर मुझे खुद कुछ हो गया तो भी टेंशन होता है कि घर कैसे। आई होप कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, और या तो शूट वगैरह पे कुछ खाना खाया हो उससे इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ। तो आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए और फिर वैसे ही आप उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, क्योंकि उनको लेटे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो लेटे हैं तो उनको आगे पेट में थोड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, तभी वो लेटे हुए। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और एंड करने के पहले जिन्होंने अपना नाम बताया है लेने के लिए वो है सुमित, सूरत गुजरात से। तो आप हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहें और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट दें, अच्छा लगता है जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम, कभी कभी रात भी हो जाता है एक ब्लॉग को तैयार करने में। तो हम भी आपकी खुशी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही आप लोग हमेशा सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, कुछ अगर कमी हो तो प्यार से बताएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ लोग कमी बताने के बजाय उस चीज़ का मजाक बनाते हैं, वो चीज़ गलत है। कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, आप बताएं कि आपको किस चीज़ से बुरी लगी है या क्या चीज़ हम बेहतर करें, तो एडवाइस दे सकते हैं, मजाक बनाएंगे उससे अच्छा है। तो आप सभी बहुत प्यारे हैं, हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर सभी बहुत प्यारे हैं। तो इस ब्लॉग को हम एंड करना चाहेंगे, और आप सभी अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कुछ नया लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।